नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल रे आपन समस्तंकु स्वागत। आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहीर पद्य विभागर कहा मुख अनाई बंचीबी पद्यटीर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नगुड़िक आलोचना करिबा। तो एहा पूर्वरु आम यार जते शॉर्ट क्वेश्चन एवं सरलार्थ गुड़ाक ऑलरेडी डिस्कशन कर सारचु। तो जदि से भिडियोटी को देखि तेल मुझ तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दूची, तो सेठी क्लिक करके देखिपारे। तो आज आम तेल कहा मुख अनाई बंचीबी पद्यटीर तेल लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करवा। तो वीडियो को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देख, आज जदि वीडियो भल लगे तेज लाइक कर शेयर कर आया नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आरंभ करवा। तेरे देख छत्तीस नंबर प्रश्न कौन कही ना जशोदा मातृहृदय मधुर अभिव्यक्ति किपरि प्रकाशित हो पठित कविता अनुसरण में लेख। तो पाने यार आम कौन एनसर लिखिदेचु आउ एनसर गुड़ाक अति सरल भाषा लिखाई तुम्हें अति सहजरे मन रखिपार। तेब देख कवि भक्तचरण दासंकर रचित कहा मुख अनाई बंचीबी कविताटी एक बात्सल्य स्नेहभरा सृष्टि। मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंदर गृहीत यह कविताटी रे कवि जशोदा मातृहृदय मधुर अभिव्यक्ति प्रकाश करिसेंती। कौन पद्यरे मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंदर यह गृहीत होती कविताटी रे कवि जशोदा मातृहृदय मधुर अभिव्यक्ति सब वर्णना करते। जशोदा शुणिले कृष्ण मथुरा जीवे सेते बड़े से अति व्याकुल होती पुओ को आउ देखिपारे ना यह चिंता करी से असह्य हो जाती। तो जिते बड़े माता जशोदा शुणिले कृष्ण मथुरा जीवे से मन अति व्याकुल हो पुओ को आउ देखिपारे ना यह चिंता करी करी से कौन असह्य हो पड़ती। कृष्णंकर जिते अड़ी अझट कले सही मुह चाह दिन काटू से गाई चराइवाक गले जशोदा भावुले प्राण ना। तो कृष्ण जिते अड़ी अझट कले से सही जाऊ मुह को चाहिए से दिन काटिदे से जिते बड़े बण को गाई चरिया जाऊ से किपरी लगुला ना लगुला जमी कृष्ण तांगे माँ जशोदा प्राण नहीं जा। जदि कृष्ण मथुरापुर को चली से किपरि बचे यही कथा भाभी हृदय भांगी पड़ी। से चलीगले क्या देहरे चतुसम लेपे क्या अंजन देवे क्या कपाल चिता देवे क्या शरीर को धूली झाड़े क्या शरीर धूली झाड़े। कृष्ण मथुरा गले से निश्चय प्राण हारे बोली कृष्ण निकट में प्रकाश कले। तो माता जशोदा कौन कहते जदि कृष्ण मथुरापुर को चली से किपर भाव बचे ना आदय भांगी पड़ी। से चली गले क्या देहरे चतुसम लेपे क्या अंजन लगे देवे ना आ कपाल चिता लगे क्या शरीर धूली झाड़ी देवे यही सब कथा से कृष्ण आगे सब प्रकाश कर। जशोदा मातृहृदय कृष्ण अड़ी अझटर समस्त झड़झा ठार् पुत्र स्नेह थिला अधिक पुत्र कुशर लवणी अधाम और अमृत तुल्य पोकरम्भादी खाद्य प्रदान करुला बेले से आनंद पाती। तो जशोदा मातृहृदय कृष्ण अड़ी अझटर समस्त ये सब जिते झड़झा थे पुत्र स्नेह थिला सबुठारु अधिक आउसे पुत्र कुशर लवणी अधाम यू अमृत तुल्य पकरम्भादी खाद्य सब प्रदान करुला बेले से बहुत आनंदित होते। निजर छाई को डरुवा कृष्ण किपर मथुरापुर घोड़ा हाथी गर्जन और असुर मेल समय काटे चिंता करी से बिव्रत होती। जशोदा मातृस्नेहर सतरे मर्म स्पर्शे ताले निजर छाई को जे देखी डरती ना ताले कृष्ण निज छाई देखिक डरुले तो माँ जशोदा भावुं से तो किए कृष्ण तो निज छाई देखिले डरती से किपर से मथुरार घोड़ा हाथी गर्जन सब शुणी रही असुर मेल किपर समय काटे से ताहा चिंता करके अथय हो पड़ती। तो यही कौन प्रश्न ताले माता जशोदा मातृ स्नेहर सब वर्णना करा जाए। तापर सैंतीस नंबर कही कविताटी आधार में कृष्ण बाल्यकाल एक आलेख्य प्रदान कर। ताले देख यार उत्तर मध्य लिखिदबा कहा मुख अनाई बंचीबी कवि भक्तिचरण दासों मथुरा मंगल काव्यर षष्ठ छंदर गृहीत
उक्त कवितार कवि कृष्ण बाल्य काल एक सुंदर आलेख्य प्रदान करी कौन ना कवि भक्तचरण दास यही कवितार कवि कृष्ण बाल्य काल एक सुंदर आलेख्य वर्णना करी। श्रीकृष्ण थिले जशोदा प्रिय पुत्र माँ जशोदा बालुत कृष्ण प्रति सबुबले सजग दृष्टि रखुले बाल्य काल कृष्ण थिले अझटिया और डरुआ थिले से माता जशोदा निकटने सबुबले अझट करुले जशोदा तांकु सर लवणी राबिड़ी और अमृत तुल्य पकरंभा दे खाद्य प्रदान करुले से सबको से न खाई थु थु कर फिंगी दौले श्रीकृष्ण पाक हांडी को भांगी दौले ताले श्रीकृष्ण थिले माता जशोदा अति प्रिय पुत्र एवं माँ जशोदा कृष्ण को सबुबले कौन कृष्ण को सबुबले सजग दृष्टि रखुले माने सबुबले देखुले से बहुत दुष्टामी जेहेतु करुले बाल्य काल कृष्ण थिले अझटिया एवं डरुआ है तो कृष्ण टिके डरुआ थिले से निज छाई को देखले डरी जाउथिले से माता जशोदा निकटरे सबुबले अळी अझट करुथिले बाळुत कृष्ण सुषम प्रलेपन सहित सुबेश हुवंती निद्रे माँ कोळरे बावड़ी हुवंती पिता चंद्र मागंती कुसुम मंडित केश और कुंडल मंडित कर्णरे से सुंदर देखा जाती धूली धूसर कांति रे काछी पिंधि गोपदांड रे क्रीड़ा करती बनरे विचरण करती तेरे कृष्ण कौन सुषम प्रलेपन सहित सुवेश हुवंती ना आउ निद्रे माँ कोळरे रहीकि से बावड़ी हुवंती पिता से चंद्र मागंती कुसुम मंडित केश है तो मुंडरे से फूल सब सजाई थांती कुंडल कान रे कुंडल लगे थांती एवं ए सब लगे द्वारा से बहुत सुंदर देखा जाती धूली धूसर कांति रे काछी पिंधिक से गोपदांड रे क्रीड़ा करती बनरे विचरण करती माने बनरे रेकी बुलंती ना बाळुत कृष्ण छाई को देखी डरती बाळुत कृष्ण छाई को देखी डरती धाई जाई माँ को वसन रे मुह गढ़ाई पकाती ताले बाळुत कृष्ण जिते कृष्ण छोट थिले तो से निज छाई को देखिकी डरुले और दौड़ी जाकि माँ को लुगा कानी रे जाकि मुह लुचे दौले अंधार घर को देखी भयर थरहर हुवंती उच्च पहाच को उठी पारंती नहीं ताले से अंधार घर देखिले डरी जाती उच्च पहाच को पहाच ऊपर को से उठी पारंती नहीं कांथरे नाना चित्र देखी भय पाती राति शोबा बेले स्वप्न देखी चमकी पड़ती ताले कांथरे जो विभिन्न प्रकार चित्र सब थाए ताकु देखिकी से भय पाई जाती टिके जदि डरुआ चित्र थिबो देखिकी भय पाती राति शोला बेले स्वप्न देखिकी चमकी पड़ती माँ को कंठ को दुई फुजरे भिड़ी धरी पुणी लुगा घोड़े हो सोई जाती ताले से माँ को पूरा जोर रे धरिकी दुई हाथ रे कुंडे धरिकी ताको लुगा कानी रे घोड़े ही कि पुणी थरे से सोई जानती बाल्य काल रे कृष्ण को लीला और आचरण रे उक्त कविताटी पूर्ण अच्छे ताले ए कविताटी रे कौन कृष्ण को बाल्य लीला सब वर्णना करा जाय छी। एबे देखो 38 नंबर कविताटी रो नामकरण रो सार्थकता प्रतिपादन करो ताले देखो यार उत्तर कवि भक्तचरण दासंक रचित कहामुख नाई बंचीबी कविताटी कवि जशोदांक मातृहृदय सार्थक चित्रण सार्थक चित्र चित्रण करिसंती नामकरण दृष्टि यह अत्यंत आवेग प्राण अटे पुत्र कृष्ण को छाड़ी माता जशोदा जीवन धारण करिपारिबे नाही तेबे एही कविताटी कवि माता जशोदांक माँ हृदय सार्थक चित्र एटी चित्रण करिसंती हैला एवं नामकरण दृष्टि यह अत्यंत आवेग प्राण अटे पुत्र कृष्ण को माता जशोदा छाड़िकी रही पारिबे नाही बा ताको जीवन धारण करि पारिबे नाही बोली एटी कौन वर्णना करा जाय छी अर्थात कृष्ण मथुरापुर को गले जशोदा कहा मुख नाई बंचीबे बोली प्रश्न करिसंती जशोदांकर ही प्रश्न ही कविताटीर शीर्षक रूपे यथार्थ हो पारिछि तेबे जते बेले कृष्ण मथुरापुर को बाहरी छंती से जते बेले मथुरापुर को चली जाए एक शुणी माँ जशोदा निजक प्रश्न करते बड़े कृष्ण मथुरापुर को चली जाए मुख मुख का मुह को नहीं कि बंचीबी है तो कौन यही प्रश्न ही कविताटीर शीर्षक हो कविताटीर ना दि जाइए का मुख नाई बंचीबी ना जशोदा कृष्ण को अत्यंत स्नेह करने सहित मुहूर्तक पाखु दूरे पार नथिले तो जशोदा कृष्ण को बहुत स्नेह करुले बहुत भल पाते मुहूर्तक निज पाखर दूरे पार नथिले कृष्ण विच्छेद दस दिग अंधार देखा जाउथिला पुत्र मुख दर्शन बिना से निजक प्राणहीन मन करुले कृष्ण विच्छेद
ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଦିଗ ବା ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ବିନା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣହୀନ ବା ତାଙ୍କ ମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ଏହା ଶୁଣି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ଏହା ଶୁଣିକି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏହି କଥା କହିକି ନିଜ ମନର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଇଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଭାଳି ଭାଳି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନଥିବେ ତାହେଲେ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ବୋଧେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାଟିର ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ, କାରଣ ମାତା ଯଶୋଦା ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ସେ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବେ ଏଭଳି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର କହିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନରେ ମା ଯଶୋଦା କାହିଁକି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାରେ କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳ ସନ୍ତାନ। ସେ ଏଭଳି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟରୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଧନ, ଜୀବନ ଓ ସବୁ ସୁଖର ଆଧାର। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଧନ, ଜୀବନ ଏବଂ ସବୁ ସୁଖ ମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳିଅଝଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ସେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ପାସରି ଦେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ପୁଅର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କରି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାନାବିଧ କାରଣ ଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ତ ଏହା ଶୁଣିକି ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ବହୁତ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ସେ କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ କାଳ କାଟିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ ଆଉ କିଛି ବି ସେ ଭାବନା ନଥିଲା। ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କର ଦିନ କାଟିଦେବେ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଗଲେ ସେ କାହା ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ନିଜର ସମୟ କାଟିବେ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଡରକୁଳା, ସେ ନିଜର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଡରନ୍ତି। ଭୟ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ପକାନ୍ତି। ମଥୁରାପୁରରେ ହାତୀଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭୟ ପାଇବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ମାତା ଯଶୋଦା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବାରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ବେଶଭୂଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର, ବୈଷ୍ଣବ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ରଚିତ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ବେଶଭୂଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାଟିରେ କିଏ, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର ବେଶଭୂଷା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ବେଶ ହେଉଥିଲେ, ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କିପରି ବେଶ କରାଉଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନବଘନ କାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁଷମ ଲେପିତ ହୋଇ ସେ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ନବଘନ କାନ୍ତି ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁଷମ ଲେପି କ'ଣ
लेपी होई से बहुत मनोहर देखा जाउथिले। तांकर केशरे कुसुम आखिरे अंजन और ललाटरे चिता शोभा पाउथिला। ताले तांको केशरे बा मुंडरे कुसुम फूल सबू आउ आखिरे अंजन बा कला जो लगाउथिले एवं ललाटरे बा कपाळरे चिता शोभा पाउथिला। से कर्णरे कुंडल लगाउथिले कानरे कुंडल लगाउथिले। बाळुत कृष्ण काछी पिंधि अत्यंत रमणीय शोभा धारण करुथिले। माता जशोदा कृष्णंकर एही सुबेश करि शांति पाउथिले। तो माँ जशोदा कृष्ण को एभळा बेश करिकि बहुत शांति पाउथिले, बहुत खुशी होउथिले। वास्तवरे गोकुल सुंदर कृष्णंक रूप और शोभा थिला अतुलनीय। तांकर वेशभूषा थिला अत्यंत लोभनीय। कृष्णंक चंद्रमुखरे थिला माता जशोदांकर जीवन धारणर समस्त उपादान। ताले माँ जशोदा कौन यही कृष्णंकर चंद्रमुख माने कृष्णंकर ये चंद्र भलिया मुख थिला माँ जशोदांकर जीवन धारण बा बंचिबार सबु उपादान यही कृष्णंक चंद्रमुखरे ही थिला। से तांको मुह को देखिकी सबु किछि से भूली जाउतिले। बाळुत कृष्ण कपजर होई माताक प्रदत्त सरल बणी न खाई थुथु करि फपाड़ी देवा भितर जे अपरूप प्रकाश पाउथिला ताहा अवर्णनीय। ताले कृष्ण कौन बाळुत कृष्ण जेतेबेले ए जो माँ जेतेबेले सर लवणी विभिन्न प्रकार अधाम ए सब जो ताकू खुआउथिले से गुडाक ताक पसंद होनथला एवं से थु थु करिकि से गुडाक फपाड़ी देउथिले ना। एवं एई भितरे जो अपरूप प्रकाश पाउथिला ताहा अवर्णनीय बोली एठी वर्णना करिछंती। तो एहारो उत्तर गुडीक ए भुलिया लेखिबो। तो पिला माने एठी प्रश्न उत्तर एतिकि थिला। आशा करूँ ये प्रश्न उत्तर गुड़िक तुमने भल भाव बुझी जाइए और तुम मानक सरल लगे। आदि भिडटे भल लगी तेज निश्चित भाव में लाइक कर सेयार कर नुआ नुआ भिड देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेज रोचे धन्यवाद।